The question is The Merchant of Venice as a tragic comedy. ट्रेजी कॉमेडी से अभिप्राय यह है कि ऐसा प्ले, ऐसा नाटक जो ट्रेजडी भी हो और कॉमेडी भी हो। आप ड्रामा की टाइप से अवगत होंगे। ड्रामा यानी प्ले, एक कॉमेडी यानी एक हास्य नाटक, और ट्रेजडी यानी दुखांत नाटक दोनों हो सकता है। और एक ही नाटक में ये दोनों गुण मौजूद हो सकते हैं, दोनों तत्व मौजूद हो सकते हैं। उसमें कॉमेडी भी हो सकती है, उसमें ट्रेजडी भी हो सकती है। जिसमें हास्य और दुखांत घटनाएं दोनों होती है, इसे ट्रेजी कॉमेडी कहा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम ट्रेजडी और कॉमेडी के मिश्रण की ही बात कर रहे हैं, जिसे ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह साबित करना होगा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस किस प्रकार से कॉमेडी और ट्रेजडी का मिश्रण है, और यह साबित करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस को ना तो पूर्ण रूप से कॉमेडी और न ही पूर्ण रूप से ट्रेजडी कहा जा सकता है। महान नाटककार विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले में दोनों प्रकार के तत्वों यानी एलिमेंट्स का मिश्रण किया है। इसी वजह से द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक विशेष मींस एक अलग प्रकार का नाटक है। बॉन्ड स्टोरी ही इस प्ले में मुख्य कथा वस्तु है, यानी मुख्य प्लॉट है, मेन प्लॉट है, जो इस नाटक के वातावरण में दुख का माहौल पैदा करता है। नाटककार के द्वारा इस नाटक के मेन प्लॉट बॉन्ड स्टोरी के साथ तीन पूरक प्लॉट्स भी हैं, जिन्हें सब्सिडियरी प्लॉट्स कहा जाता है। ये तीनों सब्सिडियरी प्लॉट्स भी आपस में अच्छी तरह से इंटरवोवन हैं, मींस अच्छी तरह से आपस में गुथे हुए हैं। जब कभी भी नाटक में टेंशन यानी तनाव बढ़ता है, तो इन सब प्लॉट्स में से कोई ना कोई ऐसा दृश्य आ जाता है जो श्रोताओं एवं पाठकों को राहत प्रदान करता है। इस प्रकार से जो कॉमिक सीन्स होते हैं, पाठकों का मनोरंजन भी करते हैं और उन्हें राहत प्रदान भी करते हैं। आओ अब हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जो इस नाटक को एक ट्रेजी कॉमेडी साबित करते हैं। आप सब जानते हैं कि एंटोनियो के दुख इस प्ले के सामान्य वातावरण को अंधकारमय अर्थात निराशापूर्ण एवं उदास बना देते हैं। वह एक खुश मिजाज व्यक्ति नहीं है, वह हर समय उदास रहता है, जबकि उसे अपनी उदासी का कारण भी नहीं पता होता। इसके बाद वह अपने घनिष्ठ मित्र एंटोनियो को एक निर्दयी साहूकार से 3,000 ड्यूकेट्स या मुद्राओं का ऋण दिलवाने के लिए एक बॉन्ड पर दस्तखत कर देता है। उस समय उसे यह उम्मीद थी कि उसके सारे जहाज ढेर सारा धन लेकर वापस आ जाएंगे और वह शैलोक का ऋण अब आसानी से चुकता कर देगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। वह शैलोक द्वारा बनाए गए मौत के जाल में आसानी से फंस जाता है। एंटोनियो अब शैलोक का ऋण चुकाने में असमर्थ है, क्योंकि उसे रिपोर्ट्स प्राप्त होती हैं कि उसके सारे जहाज समुद्र में डूबकर बर्बाद हो चुके हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण एक प्रकार का तनावपूर्ण और दुखांत वातावरण छाया रहता है। एंटोनियो अपने दुर्भाग्य के सामने हार मान लेता है। वह ड्यूक के कोर्ट में हताश हो जाता है, क्योंकि शैलोक उसकी जान लेने की जिद पर अड़ा हुआ है। तनाव अपनी चरम सीमा पर उस वक्त पहुंच जाता है जब पोर्सिया शैलोक को एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेने के लिए अनुमति दे देती है। परंतु दूसरे ही पल इस दृश्य में कुछ राहत की सांस आने लग जाती है, जब पोर्सिया अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से शैलोक को पीछे धकेलना आरंभ कर देती है। अंततः वेनिस का कानून शैलोक को सजा देता है। यह नाटक का मुख्य प्लॉट है, जो अपराधी को सजा दिलवाकर और पीड़ित और उसके साथियों को राहत और चैन प्रदान करके समाप्त हो जाता है। पाठक एवं दर्शक भी राहत महसूस करते हैं, परंतु नाटक में अभी भी कुछ घटनाएं तथा पात्रों के डायलॉग्स यानी ऐसे संवाद हैं जो दुखांत वातावरण पैदा करते हैं। शुरू में एंटोनियो का अपना उदास मूड
फिर पोर्सिया का अपने पिता द्वारा लगाई गई शर्त जिसमें वह अपनी पसंद के पति का चुनाव ना करने में बंधी हुई है, ये सब नाटक में उदासी का माहौल बढ़ाने का कारण बनते हैं। शाइलॉक और एंटोनियो का वार्तालाप भी कड़वाहट से कम भरा नहीं है। यह उस समय की बात है जब एंटोनियो बसैनियो के लिए 3,000 मुद्राओं का ऋण मांगने शाइलॉक के घर जाते हैं। तत्पश्चात एंटोनियो के जहाजों का समुद्र में डूब जाने का समाचार मिलता है। एंटोनियो शाइलॉक का ऋण समय पर चुकता करने में असमर्थ हो जाता है। तत्पश्चात वह एंटोनियो के खिलाफ वेनिस के ड्यूक के कोर्ट में शिकायत दर्ज करा देता है। उदासी भरे इस समाचार को सुनकर बसैनियो भी वेनिस पहुंच जाता है। ट्रायल सीन में भी वातावरण उदासी एवं तनावपूर्ण ही बना रहता है। दूसरी ओर शेक्सपियर ने इस नाटक में कुछ हास्यपूर्ण घटनाओं का भी मिश्रण किया है। ये दृश्य दोनों उद्देश्य पूरा करते हैं। ये दृश्य न केवल वातावरण में बढ़ रहे तनाव को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं, श्रोतागण एवं पाठकों का मनोरंजन तथा उन्हें राहत प्रदान भी करते हैं। पोर्सिया जब अपने सूटर्स का विवरण दे रही होती है तो पाठकों के लिए यह अत्यंत ही मनोरंजन पूर्ण है। लॉन्सलॉयट अपने अंधे पिता के साथ मजाक करता है, यह भी काफी मनोरंजन प्रदान करता है। तत्पश्चात उन दोनों यानी लॉन्सलॉट और ओल्ड गोगो की बसैनियों के साथ बातें बहुत ही फनी हैं। आगे चलकर लॉन्सलॉट और जेसिका के मध्य जो वार्तालाप होता है वह भी हास्यप्रद है। रिंग एपिसोड का भी यही उद्देश्य है। इस नाटक का सुखद अंत पाठकों के लिए अच्छी बात है। इस प्रकार से इस नाटक में दोनों प्रकार के तत्व हैं, सुखद भी और दुखद भी, परंतु नाटक के अधिक भाग में दुखद तत्व सुखद तत्वों पर हावी रहते हैं।